हाय, दिस इज अर्पिता एंड यू आर वाचिंग बिंदास बोल। दोस्तों, आज हमारे साथ शो पे है THT फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर गुरमीत श्रॉन। तो आइए उनसे बात करते हैं THT फिल्म के बारे में। वेलकम गुरमीत जी टू माय शो बिंदास बोल। थैंक यू सो मच अर्पिता, माय प्लेजर। THT फिल्म के बारे में बताओ। THT फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म बनी हुई है, व्हिच इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, जो हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बिग इशू है। तो उसी को हमने पर्दे पे लाने की कोशिश की है कि किस तरह से यहाँ पे हमारी इंडियन जो लड़कियाँ आती हैं तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती हैं, तो उसी को दर्शाने की कोशिश की। तो ये आपकी फर्स्ट फीचर फिल्म है? जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट फीचर फिल्म। और आपको कभी ऐसा नहीं लगा था ये इतना हैवी सब्जेक्ट, इतना सीरियस सब्जेक्ट ले सिलेक्ट करने में? क्योंकि अभी काफी मसाला फिल्म्स बन रही है, रोमांटिक कॉमेडी एक्शन फिल्म्स बन रही है। हाँ। और आप एक सोशल इश्यू उठा रहे हो। हाँ जी। और उस पे फिल्म बना रहे हो, और पहली फिल्म, रिस्की नहीं लगा था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मीडिया के थ्रू हम लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, और साथ के साथ मेरा ये अपनी मेरी पर्सनल ओपिनियन है और सोचना भी यही है कि फिल्म के थ्रू हमें कुछ ना कुछ ऑडियंस तक डिलीवर करना चाहिए ताकि उनको मैसेज पहुंच सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एज बीइंग ए डायरेक्टर, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस चीज़ को अपने काम को अच्छी तरह से लिखूँ। तो मैंने इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया। और दूसरा, आज देयर आर सो मेनी इशूज नाउ डेज डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो उस हिसाब से मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया। बिल्कुल। और आपने इस फिल्म में काफी नए फेसेस भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे आपने सुनीता जी के साथ, करण के साथ और डॉक्टर सोनिया के साथ तो पहले काम किया हुआ है, लेकिन सुखी सिंह इज अ न्यू फेस। तो वो आपको, आपने कैसे सिलेक्ट किया सुखी सिंह को? नहीं, मैंने ऑडिशन रखे थे उसके लिए, क्योंकि फिल्म में मेन जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसके लिए मुझे एक ऐसे फेस की जरूरत थी कि करेक्टर में खुद ही दिमाग में पहले डेवलप किया था कि जैसे हमारे प्रेम चोपड़ा साहब हैं। बिल्कुल। तो मैं, मेरे दिमाग में था कि मेरी फिल्म का विलन वैसा होना चाहिए। राइट। तो मैंने ऑडिशन रखे थे, काफी ऑडिशन लेने के बाद फिर मैंने सुखी सिंह, जो असली नाम उसका जीत सिंह है जी। तो जीत सिंह को मैंने सिलेक्ट किया था। राइट। तो बट नाउ ही इज फेमस विद द नेम ऑफ सुखी सिंह। आई नो। और मैं आपके साथ वो चीज भी, ये बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि ये फिल्म में सुखी सिंह इतना अच्छे से जस्टिफाई किया है उसने अपने कैरेक्टर को। हाँ, बिल्कुल। ताकि लोगों को ऐसा लगेगा कि उसका एक्चुअल नाम सुखी सिंह है और वो आने वाला हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का या पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का प्रेम चोपड़ा ही है। नहीं, बिल्कुल। जब ऑडियंस देखेगी फिल्म तो सुखी सिंह को ऑन स्क्रीन देख के उनको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं हमने प्रेम चोपड़ा जी के कैरेक्टर को झलक लाने की कोशिश की है। राइट। पर तो बाकी ऑडियंस खुद बताएगी कि कहाँ तक हम सफल हुए। राइट। तो अभी आप, हमारी फिल्म रिलीज होने जा रही है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को प्रीमियर हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसकी टिकट तो सोल्ड आउट हो चुकी है। हाँ जी, रेड कार्पेट प्रीमियर के सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। उसके अलावा 27 को ग्लेन बेवरली विलेज सिनेमा में इसकी दूसरी स्क्रीनिंग होगी, तो वहाँ पे भी आके लोग देख सकते हैं। जी। और अभी मैंने सुना है बहुत ही कम टिकट्स बची है ग्लेन बेवरली के लिए, तो उसके बाद कोई शो करने के लिए सोच रहे हो? क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद भी हम और शोज रखेंगे, क्योंकि सिनेमा की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा इंटरस्टेट में भी हम सिडनी में, एडिलेड में, ब्रिस्बेन में फिल्म लेके जाएंगे, तो और उसके बाद न्यूजीलैंड में भी इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। वाह, वंडरफुल। और आपने जैसे ऑलरेडी करण सोनिया और सुनीता जी के साथ काम किया है, आप सतिंदर अंकल को लेके आए हो, नया फेस वो है इस फिल्म में, तो सबके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? नहीं, जब मैं फिल्म कहानी में जब लिख रहा था इसकी, तो तभी मेरे दिमाग में सतिंदर जी का चेहरा था जब मैंने वो कैरेक्टर लिखा था। तो पूरा मैंने कहानी स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर उनके घर पे जाके आया मैं, उनको मैंने खुद अप्रोच करके बोला कि मुझे आप इस रोल के लिए चाहिए। Right. तो वो बोल रहे थे कि मैंने तो कभी एक्टिंग ऐसे की नहीं है, तो पर मुझे, मैं था कि मैं उनसे कुछ ना कुछ करवा लूंगा। Right, हाँ। तो हाँ, पर बाकी वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। बिल्कुल। और उन्होंने अपना इस रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभाया,
तो आप खुद देखोगे, ऑडियंस खुद देखेगी जब स्क्रीन पे उन्होंने अपने एक्टर के साथ कितना जस्टिफिकेशन किया। लेकिन मैं और एक चीज आपको इस बारे में बताना चाहूंगी कि आपके सारे कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छे से रोल किया है, बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है अपने कैरेक्टर को, लेकिन पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि डायरेक्टर अगर अच्छा नहीं है, डायरेक्टर को पता नहीं है एग्जैक्टली कि वो क्या कर रहा है, तो एक्टर्स अच्छे से काम नहीं कर सकते और वो जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने कैरेक्टर को। नहीं, मेरा मानना यह है कि ये पूरा श्रेय पूरी टीम को जाता है, कि डायरेक्टर का एक विजन होता है कि जिसको उसने अपने विजन को अपनी कास्ट एंड क्रू के साथ उसने शेयर करना होता है कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो इसमें मेरे पूरी कास्ट एंड क्रू ने मेरे विजन को समझने की कोशिश की और पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, जिसमें स्तुति है, उसने एक एक करेक्टर को बिल्ड किया कि मैंने उसको बताया कि मुझे इसका ये करेक्टर ऐसे चाहिए, तो सारे करेक्टर उसने उस तरह से कॉस्ट्यूम डिजाइन किए, उस तरह से आर्ट वर्क किया। तो यू आर द पार्ट ऑफ द फिल्म एज वेल, सो यू नो एवरीथिंग। तो उसके अलावा भी जैसे मेकअप आर्टिस्ट थे हमारे, साउंड गाए थे, कैमरा वाले थे, डीओपी, तो सब सभी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें मेरा मुझे 100% शेयर मुझे नहीं जाता, तो पूरी टीम को जाता है ये सारा श्रेय। That's so generous of you. तो क्योंकि अकेला डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ वो तो है, लेकिन सबको साथ लेके चलना, इट्स अ टीम वर्क, क्योंकि जब टीम पूरी की पूरी टीम अच्छी तरह से परफॉर्म करती है तो नेचुरली प्रोडक्ट अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल, वो बात तो बिल्कुल सही है आपकी। और आपने अभी ये पहली फीचर फिल्म तो ऐसे सीरियस टॉपिक पे बनाई है, आगे चल के आप कॉमेडी रोमांटिक ऐसी कोई फिल्म बनाने वाले? नहीं, डेफिनेटली मैं डिफरेंट जॉनर की मूवीज करूंगा, उसमें कॉमेडीज भी करूंगा और रोमांटिक फिल्म भी है। मेरे ऑलरेडी मेरी स्क्रिप्ट रेडी है जी। तो अभी इसको फर्स्ट पहले इसको रिलीज कर लें, तो उसके बाद फिर मैं दूसरी फिल्म को। बिल्कुल, और ये बहुत अनफेयर होगा कि मैं पूछूंगी आपको कि सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका पूरी फिल्म में, लेकिन प्लीज आप फिर भी बता दो कि कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा है। मेरे लिए सभी कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, क्योंकि एक डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर के लिए ये बहुत मायने रखता है कि कोई भी कैरेक्टर है वो स्टोरी को ड्राइव करके आगे लेके जाता है। तो मेरी नज़र में सारे कैरेक्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, चाहे उसका एक ही सीन है फिल्म में या उसका पूरी फिल्म में थ्रू आउट उसका रोल है। तो ये सब ने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं किसी एक को नहीं चूज कर सकता, तो मेरे लिए सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। दैट्स वेरी नाइस। और आप फ्यूचर में ये जब आप नई फिल्म बनाओ तभी आप सबको उसमें साथ में लेके चलना चाहोगे या नहीं? डेफिनेटली मेरी टीम अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरी टीम, तो मेरे साथ हमेशा ही वो काम करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी आप सब ऑडियंस वगैरह भी देखेंगे, तो नए चेहरे भी जुड़ते हैं, नए एक्टर्स भी साथ में जुड़ जाते हैं और नई क्रू मेंबर भी आ जाते हैं। तो अच्छे जो टीम होती है तो उसकी ज़रूरत सभी डायरेक्टर्स को होती है, तो मुझे भी है। तो जो अच्छे मैं टीम मेंबर आएंगे तो दे आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई शो बिंदास बोल, थैंक्स अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आवर मूवी। या थैंक यू सो मच टू हैविंग मी इन योर शो कविता, इट्स माय प्लेजर, एंड ऑडियंस को भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे मिस्टर गुरमीत सरान, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके हमारे शो में बिंदास बोल में। मूवी रिलीज हो रही है 21st of February को, जिसका पहला शो जो 21st February को सनशाइन विलेज सिनेमा में है वो सोल्ड आउट हो चुका है। 27th की टिकट्स अभी बहुत कम बाकी रही है, अगर आपको फिल्म देखनी है प्लीज़ कम ऑन बोर्ड, हम में से किसी से भी आप टिकट्स ले सकते हो। और दूसरे अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो फिल्म देखने की, तो दूसरे भी शोज होने वाले हैं जैसे गुरमीत जी ने हमें बताया है, तो आप उनमें से भी कभी भी आ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।